संसद में लगातार तीसरे दिन भी दोनों सदनों में सामान्य कामकाज नहीं हो सका और लोकसभा व राज्यसभा को पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के सांसद राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़े रहे, वहीं विपक्षी दलों के सदस्यों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुद्दे पर बुधवार को भी हंगामा जारी रखा और सदन में तख्तियां लहराईं। लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार विपक्ष से सदन चलने देने का आग्रह किया, लेकिन सांसद अपनी मांगों पर अड़े रहे। स्पीकर ने सदन में तख्तियां लाए जाने पर कड़ा एतराज भी जताया। ये सदन चर्चा नीतियां पॉलिसी के लिए है। अच्छा हो आप नीतियों पर बात करो, पॉलिसी पे बात करो, मुद्दों पर बात करो। ये इस तरीके से तख्तियां लाना उचित नहीं है। मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर कहा कि राहुल गांधी ने संसद का अपमान किया है और उन्हें सदन से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने तख्तियां लहराने वाले सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनके निलंबन की भी मांग की। जिस प्रकार से विदेश में जाके भारत के सदन का अपमान करता है, पार्लियामेंट का अपमान करता है, वो जब तक माफी नहीं मांगे तब तक इन सबके ऊपर एक प्रकार से कोई जिम्मेदारी आलोचित की जाए। और अगर इनको कोई अपमान नहीं लगता है और ये इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो मेरा मानना है कि जो तख्ती है उनको सस्पेंड किया जाए। दोपहर 2 बजे भी सदन की कार्यवाही भारी शोर शराबे के बीच शुरू हुई और रक्षा राज्य मंत्री ने अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सेना के तीनों अंगों में बेहतर तालमेल के साथ ही थिएटर कमांड्स गठित करने और इनके परिचालन को प्रभावी बनाना है। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन भी सदन में रखा गया। भारी हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे पूरे देश का अपमान बताया। झूठा आरोप दुनिया में जाके बाकी देशों में जाके ऐसे बात करना, और एक भारत एक सॉवरेन कंट्री है, बाकी देशों को इंटरवीन करने के बुलाना भारत का घोर अपमान है सर। तो इस घोर अपमान करते हुए मांगने के बजाय ये तथ्यों लेकर आ रहे हैं। राज्यसभा में भी लगातार व्यवधान के चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। विपक्ष की ओर से नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के कई नोटिस दिए गए जिन्हें सभापति ने अस्वीकार कर दिया। इफ इन दिस हाउस वी डू नॉट एक्सप्रेस वेयर विल वी एक्सप्रेस। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन वांटेड टू से समथिंग, ही शुड बी हर्ड इन रेपिटेशन। आई वुड अर्ज एवरीवन टू ऑब्जर्व ऑर्डर एंड लिसन टू। दोपहर 2 बजे भी राज्यसभा में कामकाज सुचारू नहीं हो पाया और सदन की कार्यवाही को गुरुवार तक स्थगित करना पड़ा। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो राहुल गांधी के बयान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पूरी गुत्थम गुत्था चल रही है और उसमें अभी संसद की कार्यवाही चित पड़ी दिखाई दे रही है। और भाई आपको हम दिल्ली से ले चलते हैं पटना।